हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्री। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले 32 को हम लोग तोड़ते हैं, ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 30 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 को तोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 भाग में, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 30 प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा। ब्रैकेट यहाँ देंगे इंटू 4, ओके। अब इनको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को 4 से, फिर 2 को 4 से। तो 30 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, यहाँ 0, और 2 4 8। क्या करेंगे हम, राइट साइड से 8 ऐड कर देंगे, 8 2 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, 128 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक चेंज नहीं करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। 83 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 83 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 80 प्लस 3, ओके। अब क्या करना है, यहाँ इंटू 2 करना है, 80 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, 1 0, 3 2 6, राइट साइड से हम 6 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 6 6 6 1, यानी 166, यानी 166 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 98 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 98 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 90 प्लस 8 इंटू ये जो 7 है, एज इट इज लिख देंगे, क्या करेंगे 7 लिख देंगे। तो 9 7 क्या होता है, 63 होता है, 1 0, यहाँ वाला 0, एज इट इज लिख देंगे। 8 7 जा 56, राइट साइड से हम 56 लिख के इस नंबर में ऐड कर देंगे, 6 3 5 8 6, यानी 686 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 69 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 69 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 60 प्लस 9 इंटू ये 4, 6 6 4 जै 24, ये 0 9 4 जै 36 ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 के 6 4 3 7 2 की 2, ये हमारा आंसर क्या हो गया, 200 276, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन। जैसे मैं 76 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 76 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।